तो चलिए आज हम बनाएंगे चने दाल की बहुत ही टेस्टी पकौड़ी की सब्जी। पकौड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ चने की दाल ली है 200 ग्राम और इसे हम 2 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये अच्छे से फूल गया है और सबसे पहले हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमने यहाँ चने दाल को अच्छे से पीस लिए, निकाल लेंगे इसे एक बॉल में। और यहाँ जो हमने दाल पीसे हैं इसी दाल से हम थोड़ा सा दाल 1 चम्मच करीब उठा लेंगे। ये 1 चम्मच दाल हमने रखी है ग्रेवी के लिए। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 पिंच, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बारिश के मौसम में जब कुछ सब्जी समझ ना आए तो फिर हम औरतों का एक ही काम रह जाता है कि चलिए फिर देखिए आलू है तो उसका कुछ बना लिया जाए, या फिर दाल वाल है तो उसी का कुछ बना लिया जाए। वैसे ही पकौड़ी की सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी चावल किसी के भी साथ अच्छा लगता है और घर में बड़े बच्चे सभी शौक से खाते हैं। तो हमने यह दाल को अच्छे से मिक्स किया, अब चलिए फ्राई करते हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया और गर्म तेल में हम फ्राई करेंगे। फिर पकौड़ी जो यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया इसे हम निकाल लेंगे। दूसरी बार भी इसी तरह से छान लेंगे। ये भी अच्छे से फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। फ्राई किया तेल थोड़ा हम कम करेंगे। और इसी तेल में डालेंगे हम 1 प्याज कटा हुआ बारीक। प्याज जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए उसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भर के और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और इन सबको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इस पॉइंट में गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखें, हाई फ्लेम में हमारा मसाला जल सकता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप करीब पानी। और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम में। 3-4 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे तो मसाला भी अच्छे से पक गया। 2 टमाटर पेस्ट हमने पीसे थे इसे भी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर कर देंगे लो फ्लेम में 2-3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुना गया। ऐसे हम डालेंगे जो 1 चम्मच दाल हमने पीसी हुई रखे थे इसे पानी डाल के घोलें और इसे डाल देंगे ग्रेवी के लिए। और साथ ही डालेंगे गरम पानी।
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया, और इसे हम ऐड कर देंगे। जितने हमने पकौड़ा छान के रखे इसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा पकौड़ा का सब्जी बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और तड़का की तैयारी करेंगे। यहाँ पे तड़का पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल, तो यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे जीरा और सरसों की लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और एक हींग। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे लगाएंगे हम अपने पकौड़ा की सब्जी में तड़का। तो लीजिए हमने तड़का लगाया, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस तरह से आप पकौड़ा का सब्जी आप भी बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्ट होता है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं इसे खाना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।